सो हाई, वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज। आज के व्लॉग में गाइज मैं आप लोग के साथ में शेयर करने वाली हूँ स्ट्रीट स्टाइल चाउमीन। आप लोग कैसे बना सकते हो घर में बिल्कुल बेसिक और सिंपल तरीके से, जो कि बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। बट वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कॉमेंट्स करो। तो चलिए अब हम आगे इसका रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे मेरा पानी बॉईल हो चुका है, अब मैं इसके अंदर नूडल्स डालूंगी। पानी के अंदर मैंने थोड़ा सा नमक डाला हुआ है और थोड़ा सा ऑयल डाला है। ऑयल डालने से क्या होता है कि ये खिले खिले रहेंगे, ये चिपकेंगे नहीं। तो चलिए अब हम इसके अंदर अपना जो हमारी नॉर्मल चाउमीन होती है जो मार्केट में मिलती है वो हम इसमें डाल लेते हैं। मैं पतले वाले नूडल्स ले रही हूँ। दो तरीके के नूडल्स होते हैं, एक पतले वाले एक मोटे वाले, तो आप अपने हिसाब से कोई भी ले सकते हो। मैंने ये इस शेप वाले लिए हुए हैं, इनको केयरफुली हम डाल देते हैं। तो ये एक बार हम इसको हल्का सा स्टर कर देंगे, घोटना नहीं है, जस्ट इनको ओपन कर देना है। सो ये मेरे नूडल्स कुक हो गए हैं, मतलब चाउमीन मेरी कुक हो गई है। इसको मैंने ड्रेनर में निकाल लिया गाइस, 3 to 4 मिनट्स के लिए सिर्फ छोड़ के और ड्रेनर में निकाल दो। इससे क्या होता है कि अगर वो थोड़े से कच्चे भी रह जाएंगे तो वो इसके अंदर कुक हो जाएंगे और बिल्कुल हलवा भी नहीं बनेगा उनका। तो अब मैंने इसको इसमें ड्रेन करके छोड़ दिया है, अब हम अपना आगे का प्रोसेस करते हैं। सो अब मैं आपको आगे का प्रिपरेशन दिखाती हूँ स्ट्रीट स्टाइल चाउमीन बनाने के लिए। यहाँ पर हमने ले लिया है कैरेट को, पतला पतला हमने कट किया हुआ है, आप देख लो। यहाँ पे कैप्सिकम को कट किया है मैंने, थोड़ी सी ग्रीन चिलीज मैंने ली है। ये आप लेना चाहो तो ले लो, नहीं लेना चाहो तो आपकी चॉइस है। वाइट विनेगर, सो इसके अंदर वाइट विनेगर ले लिया है मैंने। रेड चिली फ्लेक्स ले लिए हैं, सोया सॉस ले लिया है। यहाँ पे मैंने चॉप्ड अनियन ले लिए हैं, चॉप्ड कैप्सिकम ले लिया है और ये मैंने लिया है अजीनोमोटो। सो हम सभी जानते हैं कि चाउमीन के अंदर अजीनोमोटो तो मस्ट है गाइस। तो ये अजीनोमोटो मेरे पास इतना ही सही था सॉल्ट, तो मैंने ये थोड़ा ही लिया है। और यहाँ पे मैंने जो चाउमीन आपको बॉईल करके दिखाई थी वो मैंने निकाल ली है, वो रखी हुई है मैंने। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं अपनी बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल चाउमीन। सो अभी हम कढ़ाई के अंदर डाल दे रहे हैं ऑयल। मैं ऑलिव ऑयल में कुकिंग करती हूँ, आप कोई भी ले सकते हो, कोई भी ऑयल, रिफाइंड ऑयल और भी बहुत सारे आते हैं। हाँ, सरसों के तेल को छोड़ के आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। ग्रीन चिलीज ऐड करेंगे इसके अंदर, और साथ ही साथ हम अनियंस भी डाल देंगे चॉप करके। अब इन्हें मिक्स करेंगे, उनको फ्राई करेंगे। गाइस सब्जियों को ना बिल्कुल पका नहीं लेना है हमें, हल्का हल्का क्रंची क्रंची रखना है क्योंकि वो अच्छी लगती है नूडल्स के साथ में। अब इसमें हम कैरेट्स मिला देंगे, इसको भी अच्छे से चला लेंगे। सुंदर लगते हैं, सी मुझे कलर्स अच्छे लगते हैं, कलरफुल वेजिटेबल्स मुझे बहुत पसंद है। अब इन्हें हल्का कुक होने देंगे 2 to 3 मिनट्स। सो एक्चुअल में आप देख सकते हो कि मेरी जो चाउमीन है उसके अंदर सब्जी की क्वांटिटी ज़्यादा है, क्योंकि नूडल्स हम कम डालते हैं और वेजिटेबल्स हम ज़्यादा डालते हैं, तो ये थोड़ा सा हेल्दी भी हो जाता है। प्रॉपर हेल्दी तो नहीं बोलेंगे बट हाँ ठीक है, जहाँ तक मेनटेन करी जाए वहाँ तक डाइट मेनटेन कर सकते हैं हम। मिला देंगे हम इसके अंदर कैप्सिकम, इसको भी अच्छे से एक मिक्स देखिए स्टर करेंगे। तो एक्चुअल में आप देख सकते हो कि मेरी जो चाउमीन है उसके अंदर सब्जी की क्वांटिटी ज़्यादा है, क्योंकि नूडल्स हम कम डालते हैं और वेजिटेबल्स हम ज़्यादा डालते हैं, तो ये थोड़ा सा हेल्दी भी हो जाता है। प्रॉपर हेल्दी तो नहीं बोलेंगे बट हाँ ठीक है, जहाँ तक मेंटेन करी जाए वहाँ तक डाइट मेंटेन कर सकते हैं हम। वेजीज मेरी हाफ कुक हो गई हैं, अब मैं साथ में मिला दे रही हूँ उसके अंदर नूडल्स। और गाइस नूडल्स को ना हमें बड़ा केयरफुली एक्चुअल में मिक्स करना होता है। कई बार क्या होता है कि हम बिल्कुल घोट देते हैं उसका, तो कोई टेस्ट ही नहीं आता, मतलब लाइक
बहुत भारी भारी हाथों से नहीं करना, बिल्कुल लाइट हाथों से आपको इसको स्टर करना है। कितनी सुंदर लग रहा है कलर। अब इसके ऊपर से हम हमारे जो बाकी के कॉर्नामेंट्स थे वो हम ऐड करेंगे, रेड चिली फ्लेक्स, ये सब स्वाद के अनुसार रखिएगा गाइस, सोया सॉस और रेड चिली, ये स्वाद के अनुसार है। मैंने अजीनोमोटो सॉल्ट मिला दिया इसके अंदर, थोड़ा सा नॉर्मल वाइट सॉल्ट मिलाऊंगी, नमक कम डालेंगे क्योंकि हमने जब बॉईल किए थे तब भी डाले थे, सोया सॉस के अंदर भी है और साथ में जो मतलब हमने बॉईल किया था पानी उसमें भी डाला था, इसलिए लास्ट में मिला देंगे सोया सॉस इसके अंदर। कलर के हिसाब से आप मिलाना सोया सॉस, ज़्यादा डार्क चाहते हो, मुझे तो डार्क अच्छी लगती है मेरे घर में, आप वाइट विनेगर, ये सब कुछ एक बार में ही डाल लें ताकि आपको मिक्स करने में प्रॉब्लम ना हो। अब इसको अच्छे से हमें मिक्स करना, तो ये बनके रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हो इसका कलर कितना सुंदर लग रहा है, वेजिटेबल्स का, कैप्सिकम, कैरेट्स, सब चीज़ों का कितना सुंदर इसके अंदर कलर आया है। सो अब मैं इसकी प्लेटिंग करके आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हो कि बिल्कुल भी मतलब चिपके नहीं है, एकदम परफेक्ट। को आपको दिखाती हूँ कि हमें कैसे एक्चुअल में सर्व करना चाहिए। चलिए मैं फाइनल प्लेटिंग दिखाती हूँ। सो फाइनली हमारी स्ट्रीट स्टाइल चाउमीन बनके रेडी हो गई है। आप लोग देख सकते हो कितनी सुंदर लग रही है ये, और वेजिटेबल्स जैसे कि बोला था मैंने कि मैंने ज़्यादा रखी हैं, तो हर एक वेजिटेबल का कलर आपको अलग और इक्वली दिखाई दे रहा होगा। सो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा गाइस, और मेरी वीडियोस को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स तो ज़रूर करिए, कमेंट्स करना ना भूलिए, ताकि कमेंट्स आप करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा आगे और भी वीडियोस बनाने का और अपलोड करने का। तो ये थी हमारी आज की एक सिंपल सी रेसिपी, स्ट्रीट स्टाइल चाउमीन, जो कि बड़े बच्चे सब लोग बड़े मन से खाते हैं। तो अभी छुट्टियां चल रही हैं, घर में इसको ट्राई करिए, बच्चों को खिलाइए, फैमिली को खिलाइए और अपने फीडबैक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कल, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हेल्दी खाइए, सेफ रहिए।